केवल आपके बीच, चूंकि कटरा के निवासी हैं, ये कहना चाहता हूं कि जो शंकराचार्य जी का स्थान है उसे विकसित करने का फैसला श्राइन बोर्ड ने किया है और 2 मार्च को तकनीकी विशेषज्ञ हमारे माननीय सदस्य डॉक्टर भान और भी कई लोग विधिवत उन विशेषज्ञों से चर्चा करके नीतिगत फैसला हम सबने कर लिया कि इसे बनाना है। लागत 10 करोड़ आए, 12 करोड़ आए, कोई मतलब नहीं, लेकिन इसे बनाना है। मैं उम्मीद करता हूं कि शीघ्र ही आपकी इच्छा के अनुरूप इस काम को निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। दुर्गा भवन इस नवरात्रि के पूर्व श्रद्धालुओं को समर्पित होगा और एक दिन में लगभग 3,000 लोग भवन के पास रुक सकेंगे। ये व्यवस्था इसके कारण हो सकी है। स्काई वॉक का निर्माण भी पूर्णता की ओर है। मुझे आज उत्तर क्षेत्रीय युवा महोत्सव में शामिल होकर विशेष प्रसन्नता हो रही है। जम्मू कश्मीर को मिलाकर 7 राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के 10 संस्थान आज के युवा संस्कृत के विद्यार्थी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मैं उन सभी विद्यार्थियों का, उनके साथ आए हुए आचार्यों का अपनी ओर से, श्राइन बोर्ड की ओर से और जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूँ। श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल एवं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के तत्वाधान में आयोजित ये आयोजन एक अलग प्रकार का उत्सव है जो विशेष रूप से संस्कृत के छात्रों के लिए आयोजित किया गया है और पहली बार जम्मू कश्मीर में जो राज्य पुरस्कार दिए जाते हैं, पहली बार किसी संस्कृत के विद्वान को आजादी के बाद पुरस्कार दिया गया है। उसके प्रचार प्रसार में अनेक लोग लगे हैं। इस युवा महोत्सव के दौरान हमारी कोशिश होनी चाहिए कि तमाम आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से संस्कृत की समृद्ध विरासत का कैसे प्रसार हो सके। आप विचार करें, महात्मा बुद्ध हो, महात्मा गांधी हो, मैक्स मुलर हो, प्रोफेसर बाफ हो, प्रोफेसर रिचर्ड ग्रामविच हो और दुनिया के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन, सभी का विचार संस्कृत के बारे में एक ही जैसा था और सबने स्वीकार किया कि संस्कृत विश्व की महानतम भाषा है और सबसे वैज्ञानिक भाषा है। प्रोफेसर मैकडॉलन तो कहते थे कि अगर यूरोप निर्विवाद रूप से किसी चीज के लिए भारत का सबसे ज्यादा ऋणी है
तो वह संस्कृत के लिए रणी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ संस्कृत के भी बड़े ज्ञाता थे।